ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस अमित प्रभु बोलना चाह रहे हैं लग रहा है। हरे जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण बोलिए, स्वागत है। भगवान के नाम जप होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। दसवां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान नाम में अपराध ना करें चैंटिंग के समय जो कि बड़ा मुश्किल है ना। अपराध तो हो ही जाते हैं, मन कहाँ लगता है, मन तो इधर उधर भटकता रहता है। कल मैं बोलूंगी, यस ठीक है, कल आप बोलिएगा, ठीक है। तो प्रवेश करते हैं हमारे सत्र में। कल एक प्रश्न पूछा गया था, प्रकृति अनादि है कि नहीं है। तो गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नहीं प्रभु जी, कल पता किया मैंने, मतलब पढ़ा प्रभु जी तो समझ आ गया। समझ आ गया, दो मिनट बाकी लोगों को बोलने देते हैं, फिर समझते हैं आप क्या समझे। कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें, प्रकृति अनादि है कि नहीं है? यस अमित प्रभु कहिए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें जो एक दिया हुआ है श्लोक नंबर अध्याय 13 श्लोक नंबर 13, इसके भावार्थ में लिखा है, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य करण से परे स्थित है। तो ये नहीं आएगा क्या प्रभु जी इसमें? 13.13 में इसमें क्या कहा कि कौन से लाइन में कहा लिखा है? कहा लिखा है प्रभु जी? 13.13 में, अच्छा ये अनुवाद में लिखा है, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जैसे सुनकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो ये तो ब्रह्म की बात चल रही है,
हमने बताया भगवान का साक्षात्कार तीन तीन स्टेजेस में होता है। सबसे पहला होता है ब्रह्म, जिसमें प्रकृति नहीं, वो एनर्जी की बात करते हैं। हाँ प्रकृति, कई लोग प्रकृति भी ले लेते हैं उसको, एक नेचर है, एक वो एनर्जी है इस टाइप का जो अनादि है। ठीक कह रहे हैं, तो थोड़ा तो आपका अप्रोच सही है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। और लोगों का कर लेते हैं, यस सुमति देवी दासी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा माता जी। जी, मैंने भगवत गीता पढ़ के और क्लास में ये समझा है कि प्रकृति परा और अपरा है, और ये अनादि नहीं है, सिर्फ भगवान की अनादि अच्छा, पर प्रकृति परा और अपरा, एकदम सही कहा माता जी ने, परा और अपरा प्रकृति है 7.04 और 5 में। लेकिन आप कह रहे हैं प्रकृति अनादि नहीं है, वो बार बार सृजन होता है और है। बार बार विनाश होता है, ऐसा कहने का जी मतलब है आपका। प्रभु जी, ठीक है, यस राहुल प्रभु जी बताएंगे। प्रणाम प्रभु जी धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी, 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रकृति का जो ही नित्य है, ऐसा करके। वो अनादि है, कल वही श्लोक का चर्चा किया था गौतम प्रभु ने, सत्यम प्रभु ने, अनादि है करके। ठीक है, 13.20। यस सोनिका माता जी आप बताइए। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यही 13:20 मुझे कल भी लगा था और आज भी वही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं, और ऊपर एक लाइन लिखी है प्रकृति तथा जीव को अनादि समझना चाहिए, तो यही है। ठीक है, एकदम एकदम ठीक है, आपकी बात भी सही है। आप कल भी ये श्लोक बोली थी आपने, मेरे को याद है अच्छे से। ठीक है, यस रोहित प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें एक मय्याध्यक्षिणा प्रकृति लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। इसमें तो बता रहे हैं कि ये मतलब क्या बोला जाए, प्रभु जी परमेश्वर की अध्यक्षता में काम करती है प्रकृति जो है। तो अनादि है कि नहीं है? अब इसमें अधिकतम काम करती है तो परमेश्वर तो हमेशा रहते हैं, रहने को है ना। तो अब इसमें वो समझ में आ रहा है कि परमेश्वर की अधिकतम में काम करती है, मतलब परमेश्वर जब तक रहेंगे तब तक प्रकृति रहेगी। मया अध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचर है मम वर्तम अनुवर्तन्ते जगत विपरीत हेतु वर्त नारायण कौन थे, हेतु है। नारायण कौन थे, जगत भी परिवर्तते। हाँ अच्छा, एक एक दो दो वर्ड्स बीच में बोल गया ना। मया देख, कौन सा श्लोक है ये? ये 9:10 9:10। मया अध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम हेतु नान कौन तो है जगत विपरीत वर्तते। हेतु नान, ठीक है। तो भगवान की शक्ति में से एक है जो बारंबार जो है ना प्रकृति सृजन किसको करती है, किसको विनष्ट करती है। एक्चुअल में जहाँ हमको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, प्रकृति अनादि होती है ना, इसमें कोई भी संशय नहीं रखना चाहिए। लेकिन अनादि किस प्रकार है प्रकृति जो होती है ना, देखिए आप सांस ले रहे हैं और आप छोड़ रहे हैं, है ना। तो एक सांस ली आपने और एक सांस उसी को, मतलब उसी को फिर छोड़ा आपने, है ना। फिर सांस ली, फिर छोड़ी, सांस ली छोड़ी, सांस ली छोड़ी, तो मतलब ये तो चलाया मान है ना। ये तो आप काम कर रहे हो, मतलब आप पूर्ण रूप से जो जीवित है सब चीज, मतलब एक्चुअल में है। एक्चुअल में समझना ये चाहिए, प्रकृति हमारी दृष्टि से बार बार विनष्ट और सृजन होती, हमको ऐसा लगता है हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल। आप अपनी बात ही कर लो, हमारा जो स्थिति है, हम कब से हैं इस भौतिक संसार में, कोई बता पाएगा? इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड के सृजन होने के पहले से है कि बाद में आया? पहले से ही है ना, क्योंकि हम यहाँ हैं, इसका मतलब हम अनादि काल से यहाँ बैठे हुए हैं, और अनादि काल से यहाँ हैं मतलब कि हम, ये हो सकता है कि ये जो ब्रह्मांड हमारा उत्पन्न हुआ, इसके पहले वाले ब्रह्मांड में भी थे, जब
जब महाविष्णु ने उस ब्रह्मांड को सांस ली होगी तो उनके रोम कूपों में वापस चला गया होगा वो ब्रह्मांड, और फिर नया ब्रह्मांड निकला होगा, उसमें हमको हमारे कार्यों के आधार पे अलग अलग योनियां दे दी गई। तो इसका मतलब ये है कि हम भी पिछले ब्रह्मांड में थे, है ना, और वो ब्रह्मांड भी था। अब वो कौन सा ब्रह्मांड था हमको नहीं मालूम, लेकिन थे, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है, ये जो प्रकृति है ना, ये व्यक्त और व्यक्त होती रहती है। जिस प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त होता रहता है, उसी प्रकार प्रकृति भी व्यक्त अव्यक्त होती रहती है। कभी भी प्रकृति का विनाश नहीं होता। महातत्व हमेशा रहते हैं, जो कि महाविष्णु के जो है रोम कूपों से बाहर निकलती है ब्रह्मांड, उसको दिया जाता है महातत्व, और उससे जो है ना ब्रह्मांड सिर्फ जो है ना इसकी सृष्टि करते हैं कि कौन किसको क्या योनि, किसको कैसा कर्म, कैसी चीजें होनी चाहिए। बस मतलब ड्राइंग वाला काम करते हैं ब्रह्मा जी, बाकी तो सब कुछ पहले से ही स्थित रहता है। तो प्रकृति इज अनादि, इसमें कोई जो है ना संशय नहीं है। जीव भी अनादि है और भगवान भी स्वयं अनादि, तीनों अनादि हैं। इवन कर्म जो होता है ना, कर्म सिर्फ एक ऐसी चीज है जो अनादि नहीं है, है ना। कर्म उदय होता है और कर्म जो होता है ना वो एक समय पे खत्म भी हो जाता है। तो पांच चीजें जैसे भगवद गीता में बताई गई है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, काल तो खुद डेफिनेशन हो गई कि क्या चीज अनादि है क्या नहीं है, तो काल भी भगवान की शक्ति है तो वो अनादि रहेगा ही रहेगा, और प्रकृति भी अनादि है, जीव भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, लेकिन सिर्फ कर्म ही एक ऐसी चीज है जो अनादि नहीं है और अनंत अंत नहीं है उसका। मतलब अंत है, मतलब कहने का मतलब ये है, बाकी सब चीजों का कभी भी कोई अंत और आदि शुरुआत नहीं है, ना एंड पॉइंट है। तो ये एकदम ठीक है, 13.20 में क्लियर कट बताया गया, प्रकृति को और जीव को अनादि ही समझना चाहिए। तो हमको समझना चाहिए ऐसे कि प्रकृति उदय होती है, व्यक्त होती है, अव्यक्त होती है, व्यक्त होती है, अव्यक्त होती है, लेकिन रहती हमेशा है, हमेशा रहती है। इस ब्रह्मांड में रहेगी, नहीं तो अगले ब्रह्मांड में रहेगी, नहीं तो और उसके ब्रह्मांड में रहेगी, तो ये रहेगी जरूर। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। अच्छा एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता हूँ मैं। भगवान ने हमारी सृष्टि की है कि नहीं की है? जीवों को भगवान ने जो है बनाया है, सृष्टि की है जीवों की कि नहीं की, कौन बताना चाहेगा? गौतम प्रभु, भगवान ने आपको कब बनाया? हाँ, प्रभु जी, भगवान हर चीजों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने अभी समझा, महातत्व प्रधान होता है, वो सारी चीजें भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं, फिर वो दृष्टि आप प्रदान पहले करते कौन हैं, हो तो ये सारे बताओ, आप कौन हो? आत्मा आत्मा प्रभु जी। आत्मा हो, तो आत्मा में क्या ये सब तत्व रहते हैं क्या? भूमि, गगन, आयु, वायु, आकाश नहीं, नहीं रहते प्रभु नहीं जी। रहते ना, तो इनकी बात नहीं करें अपन। आपको, आपकी सृष्टि कब हुई, मतलब आपके शरीर की बात नहीं चल रही, आपकी बात चल रही, वो तो अनंत काल से है प्रभु जी। अनंत काल से है। सोनिका माता जी बताइए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंच तत्व रहते हैं, हमारा शरीर पंच तत्व से ही बनता है, हाँ तो भगवान ने बनाया है हमें प्रकृति के भगवान ने माध्यम से। आप, भगवान ने प्रकृति के माध्यम से हमारा, जैसे हमें बनाया। जो आपका स्वरूप है, हाथ हाँ जी, पैर ये सारे अंग और ये सारी इंद्रियां शरीर ये सारी, शरीर पंच तत्व से बना है, और जो आपकी आत सृष्टि भगवान ने की है कि नहीं? भगवान ने प्रकृति के माध्यम से हमारी सृष्टि की। प्रकृति के माध्यम से आपकी सृष्टि की, ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? प्रभु जी की है ना भगवान ने, प्रभु वैसे ने देखा जाए तो मन बुद्धि अहंकार तो सूक्ष्म तत्व रहता है ना मन, इसमें आत्मा में, तो भगवान ने ही प्रदान किए है ना इसको, तो
आपकी सृष्टि भगवान ने की है मतलब। प्रभु जी, और मुझे यस प्रभु ना जी, और प्रभु जी मुझे भी ना एक बहुत दिनों से एक पॉइंट, अपन जब हमेशा बोलते हैं ना आत्मा, उसके लिए एक वाक्य मुझे बोलना है कि जैसे फोन है और उसकी बैटरी है, उसको चार्ज करना पड़ता है, विदाउट फोन बैटरी का कोई उपयोग नहीं और बैटरी के बिना फोन का उपयोग नहीं, वैसे अपने शरीर के बिना आत्मा को भी आवरण है ना प्रभु जी, तो महत्व नहीं है वो, मीन्स डिस्ट्रक्टिव है बट इट स्टिल इट इज अफेक्टेड, इट गेट्स अफेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग ना, एंड बोथ कॉम्बिनेशन मेक्स द डिवोशन टू द गॉड, एंड वी कैन गिव सर्विस बाय थ्रू ऑल दिस मीन्स एप्स, दिस इज द एप फॉर अस ना प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। तो आपके कहने का मतलब है बगैर शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती। ना अभी आग दूसरे जगत में कर सकती होगी, अभी जो पृथ्वी पे तो देखिए नहीं कर सकती, भूत कहलाएंगे। आपको बता दूं, जब हर समय आत्मा के पास एक न एक शरीर रहता है, ठीक है। आत्मा देखो, देही अस्मिन यथा देहे, नहीं देही नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि, है ना। देही नित्यो अवध्यो अयम, देही मतलब आत्मा नित्य है और उसका कभी वध नहीं हो सकता। देही नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारतः, देहे जो है ना मतलब वो शरीर में हमेशा रहती है। तस्मात सर्वाणी भूतानी, वह हमेशा सभी के शरीरों में व्याप्त रहती है। कौन? आत्मा। तो आत्मा ऐसा कोई काल नहीं रहता जिस समय उसके पास शरीर नहीं रहता। आप ये चीज ध्यान दीजिए, ये यस प्रभु जी ने डाल दिया 2.30, आप अनुवाद पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है हमेशा देहे सर्वस्य भारत, उसके पास हमेशा एक न एक शरीर रहता है आत्मा के पास। अब वो मनुष्य का रहेगा कि भूत का प्रेत का रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा या आपको स्थूल शरीर दिया जाएगा, कुछ न कुछ तो दिव्य शरीर दिया जाएगा, या कि आसुरों का शरीर दिया जाएगा, या तो कोई जानवरों का शरीर दिया जाएगा, या तो कि यातना शरीर दिया जाएगा, या तो अतिवाहक शरीर दिया जाएगा। इस तरह के अनेकों अनेकों शरीर हैं जो आत्मा को दिए जाते हैं हमेशा। तो आत्मा के पास शरीर में रहने वाला कभी भी वध नहीं किया जाता, और तो जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमेशा शरीर तो रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा शरीर है उसके पास। तो बेसिकली हम आते दोबारा कि क्या आपकी सृष्टि भगवान ने की है। तो ये एक होमवर्क है, पढ़िएगा समझिएगा इस क्वेश्चन को। सत्यम प्रभु कहिए। प्रभु जी, अहम सर्वस्य प्रभु से नहीं हो सकता है कि मतलब रचना की गई है, मतलब सृष्टि का उद्गम के बारे में जो बताते हैं। नहीं, इसमें तो अहम सर्वस्य प्रभो मतव सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता 10.08, राइट। इसमें सिर्फ ये बताया गया कि मैं सब चीज का प्रभु हूँ, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है, मैंने सब चीज की रचना की गई है। इसमें ये तो कुछ नहीं बता रहे कि जो है मैंने एक जीव की भी सृष्टि की है, ठीक है। 7.7 है ना, क्या था, मयि मत परतरम किन्ना किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव, कि मैंने, मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मैं हूं, इसलिए सारी चीजें अपनी अपनी जगह में है, जैसे कि माले माला का धागा। तो इसमें ये नहीं बताया गया कि मैंने जीवों की रचना की, सृष्टि की, ठीक है। पढ़िएगा, चर्चा करेंगे हम कल, ठीक है। हम आज हमारी प्रवेश करते हैं कक्षा में, हम श्लोक नंबर 27 में, राइट। कल इसका तात्पर्य पेंडिंग था मेरे ख्याल से, यही करना पेंडिंग है ना, ठीक है। तो एक बार फटाफट श्लोक को रिवीजन कर लेते हैं, फिर प्रवेश करते हैं भगवद गीता में। यावत् संजायते किंचित्, यावत् संजायते किंचित्, सत्वं स्थावर जंगमम्, सत्वं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्, क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, संयोगात,
तद्विद्धि भरत ऋषभ, तद्विद्धि तद्विद्धि भरत अनुवाद। ऋषभ। हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो भी हम देख पा रहे हैं वो कर्म क्षेत्र मतलब एक क्षेत्र है जिसमें जो अधिकार दिया गया है किसी एक जीवात्मा को उस क्षेत्र में रहते हुए उस क्षेत्र के द्वारा अधिकार दिया गया है और वो क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र। क्षेत्र के ज्ञाता कौन है? क्षेत्र के दो होते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा और क्षेत्र इन दोनों का कॉम्बिनेशन से सारी चीजें दिखती हैं हमारे को, और कुछ भी नहीं है, जो भी है वही है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुवाद, शील प्रभुवाद कीजिए। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। इससे क्लियर है इस लाइन से कि इस ब्रह्मांड के पहले भी हम थे और इस ब्रह्मांड के पहले भी प्रकृति थी। ये ब्रह्मांड प्रकृति का एक छोटा सा पार्ट है। प्रकृति मतलब भौतिक संसार, इसमें अनेकों अनेक ब्रह्मांड आते हैं और एक ब्रह्मांड नहीं आता है, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड आते हैं। जैसे कि हम पैसे बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, इसका मतलब है अनंत पैसे, है ना। जैसे रुपए बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि 85 रुपए आएंगे, उसमें 100 रुपए आएंगे, 200 रुपए आएंगे, 500 रुपए आएंगे। प्रकृति मतलब एक प्रकृति नहीं, प्रकृति मतलब अनंत अनंत ब्रह्मांड जो कि इस भौतिक संसार में अलग 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 जगह पे चल रहे हैं, जहाँ पे जीवन संसार चल रहा है, ठीक है। और हम अनादि काल से हैं, अनंत पता नहीं कब से जो है, अनेकों अनेकों हो सकता है ब्रह्मांडों में भ्रमण करते 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 ब्रह्मांड भ्रमिता कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता दीजिए। अनेकों अनेकों ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद हम इस संसार में अब जाके हमको भगवान की भक्ति मिली, है ना। इसमें क्लियर है कि इस ब्रह्मांड के पहले भी हम थे। हमको फिर जब ब्रह्मांड विनष्ट हुआ होगा फिर हम महाविष्णु के गर्भ में चले गए होंगे, फिर नया ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, फिर उसमें रहे, उसमें जीवन जिए, अनेकों अनेकों योनियां जी, फिर वो खत्म हो गया, फिर नया ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, फिर उसमें अनेकों अनेकों योनियां मिली, उसमें ले दे के ऐसे कई बार रोटेशन होते 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 अब जाके भगवान की भक्ति मिली है। हर जन्म में थोड़ी 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 स्वीकृतियां मिली होंगी और वो स्वीकृतियां बढ़ते 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 आज इतनी एक्यूमुलेट हो चुकी, इतनी जुड़ गई है कि अब भगवान की हम भक्ति करने की स्थिति में आ गए साक्षात, है ना। ये बहुत किस्मत की बात होती है ना, सबको नहीं मिलता ये। आगे कहें, जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति के का संयोग मात्र होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। जो हो रहा है, अपना पराया, सुख दुख मान अपमान, जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है, चर है हिलने वाला है चाहे कि नहीं हिलने वाला है, पत्थर है, हवा है, पानी है, सारी चीजें जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है और कुछ नहीं है। जैसे हम देखते हैं वही एक पृथ्वी तत्व है जो कि सीमेंट से मकान भी बनता है, वही एक पृथ्वी तत्व है जिसमें से बीज से पेड़ बनता है और उस पेड़ में से फल बनता है, उस फल को हम खाते हैं और उसी फल को हम खाते तो हमारा शरीर बनता है। तो कुल मिला के वही पृथ्वी तत्व था जिससे मकान भी बना, वही पृथ्वी तत्व है जिससे हमारा शरीर भी बना, है ना। तो ये सिर्फ भेद है, देखने का दृष्टि का भेद है कि हम किसको क्या पदार्थ मानते हैं कि किसको जीव मानते हैं, किसी को अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं। आज एक बार बताओ, पैसे से सोना खरीदा जाता है कि नहीं? आज का रेट है 65,000 रुपए सोने का। तो 65,000 रुपए और सोना की वैल्यू एक ही है, लेकिन क्या 65,000 रुपए और सोना एक ही है? नहीं, एक नहीं है, वो तो कागज के टुकड़े हैं। उनको अगर सोने से, उनका थोड़ी आप ही हार पहन के घूमोगे, उनकी थोड़ी अंगूठी पहनोगे। या कि हम ये समझ सकते हैं कि सपोज करो आटे का रेट है 50 रुपए किलो, तो हम 50 रुपए दे के आटा खरीद के आटा खा सकते हैं, आटे की रोटी बना के खा सकते हैं, लेकिन 50 रुपए को नहीं खा सकते। लेकिन
दोनों सेम वैल्यू हैं, है ना, वैसे ही एक पृथ्वी तत्व है, वो हमारे अंदर हमारा शरीर बन गया है, वो और वही पृथ्वी तत्व है, वो हमारे सामने पत्थर बन के पड़ा हुआ है। दोनों में भेद है क्या? भेद नहीं है। पृथ्वी तो पृथ्वी है, आप उसको अपना शरीर मानो चाहे पराया मानो, लेकिन पृथ्वी पृथ्वी है। तो देखना कैसे हमको कि एक ऐसा संयोग बना है, एक जीव को कर्म, जैसे हम जानते हैं कि किसी के भी जीवन जैसे उत्पन्न होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके कर्मों के आधार पर उसको जीवन दिया जाता है। शास्त्र में कहते हैं कि जब तक आगे का कदम नहीं बढ़ता, पीछे वाला कदम हमारा धरती छोड़ता नहीं। जैसे ही आपने आगे वाला पैर धरती पे रखा, तब हमारा पीछे वाला पैर धरती को छोड़ता है कि नहीं? वैसे ही जैसे ही हमारी आगे आने वाली योनि फिक्स होती है, तब हमारा दूसरा पिछला शरीर छूट जाता है। जैसे ही हम अपना आने वाला शरीर का निर्माण कर देते हैं अपने कार्यों से, वैसे ही हमारा ये शरीर छूटना छूटता है, बगैर शरीर के छूटता नहीं। मतलब हमारा फिक्स हो जाता है कि क्या कर्म कहाँ कैसे भोगने हैं, उस हिसाब से हमको आगे की शरीर मिलते हैं। तो हम उन कर्मों को काटने के लिए शरीर दिया जाता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी हमारे सामने जीव है, चाहे वृक्ष है, चाहे पौधा है, चाहे घास है, चाहे चींटी है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, बकरी है, गधा है, इन सब का सिर्फ एक कुछ कर्म का विशेष कर्म के कारण इनको एक विशेष योनि दी गई है, और वो उस विशेष योनि का कर्म भोगने के बाद नेक्स्ट योनि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे कि जड़ भरत थे एक बार हिरण की योनि में, अगर जड़ भरत हिरण की योनि में थे, तो उस समय भी तो उस हिरण को देखने वाले बहुत लोग होंगे जो मनुष्य होंगे, और वो देखने वाले क्या सोचते हैं उसको देख के कि ये हिरण है, ये तो जानवर है, बोल तो सकता नहीं कुछ, तो उनकी नजर में क्या हुआ, वो जानवर हो गया। लेकिन जड़ भरत अंदर से क्या थे, हिरण के अंदर एक जीव थे जो समझदार थे, जो देख रहे थे सब चीजों को। तो आज की स्थिति में अगर हम देखें तो हम भी ऐसे ही अनेकों अनेकों जानवरों को देख रहे हैं, वृक्षों को देख रहे हैं। नल कुबेर मणिग्रीव वृक्ष बन गए थे भगवान कृष्ण के आंगन में, दो वे वृक्ष जिनको भगवान ने दामोदर लीला के समय उनको उखल से बांधा था, तब उन्होंने उनका उद्धार किया था। तो वृक्ष के अंदर कौन थे, वो तो देव थे, नल कुबेर मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्र थे, वो वृक्ष के रूप में थे। ऐसे ही हम वृक्षों को देखते हैं, तो क्या हम ये सोच सकते हैं क्या इसके अंदर कौन है? लेकिन कोई भी हो सकता है। तो हमको ये समझना चाहिए किसी भी शरीर को देख के कि ये शरीर किसी स्पेशल कार्य के लिए, किसी स्पेशल जीव को दिया गया है, ये भोगने के लिए दिया गया, और ये भोगेगा और इसका उद्धार हो जाएगा। तो हमको किसी भी चीज को देखना है तो उसके एक तो शरीर को अलग देखना है, उसकी आत्मा को अलग देखना है। टुगेदर हुए तब जाके हमारे दृष्टि के सामने हुए, अलग अलग होते तो हमारी दृष्टि के सामने नहीं होते। जैसे कि पृथ्वी की बात की, पत्थर भी पृथ्वी है, हमारा शरीर भी पृथ्वी है, हम तभी देख पा रहे हैं जब हमारे इस शरीर के अंदर जीवात्मा आई, उस पत्थर से इसको कुछ तत्व दिया गया और शरीर बन गया। वैसे ही अगर पेड़ के अंदर से आत्मा निकाल दी जाएगी तो पेड़ क्या हो जाएगा, फाइनली फर्नीचर बन जाएगा, आपकी आंखों से पेड़ चला जाएगा, आपको क्या दिखेगा, सिर्फ पदार्थ दिखेगा, उसमें कोई जीव नहीं दिखेगा। तो ये हमारी अब दृष्टि, जो भगवत गीता पढ़ रहा है, जो 13वां अध्याय पढ़ रहा है, उसकी दृष्टि एकदम अलग होनी चाहिए। उसको समझना चाहिए कि जितने भी जीव मेरे सामने हैं वो संयोग मात्र है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृक्ष पर्वत आदि ऐसे अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं हैं, ये डेड मैटर है, जिनमें चेतन नहीं है, है ना। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र से हैं। तो यही हमने अभी चर्चा की, जब तक जीव नहीं आता है गति नहीं आती, उसमें मूवमेंट नहीं आता है। जैसे ही पराशक्ति का प्रवेश होता है भगवान की, उसी समय अपरा प्रकृति में एक्शंस चालू हो जाते हैं, है ना, मूवमेंट्स चालू हो जाते हैं। जब तक पराशक्ति नहीं आएगी, जीव शक्ति नहीं आएगी, तब तक वो सारी चीजें डेड मैटर कहलाएंगी, और जैसे ही उन दोनों का संयोग हो जाएगा तो वो सजीव हो जाएंगी। निर्जीव और सजीव, निर्जीव और सजीव, मतलब जिसमें जीव आ गया वो सजीव हो गया, जिसमें से जीव चला गया वो निर्जीव हो गई। तो निर्जीव हम बोलते हैं ना,
टाइल्स, पत्थर, नदी, इन सबको हवा, निर्जीव कहते हैं हम, इन सब में जीवन नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई जीव आ जाएगा इसके 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 संयोग मात्र से, तो वो सजीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भेद को समझना है कि कैसे है। पराप्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो वही कह रहे हैं, जब तक जीव नहीं आएगा तब तक कोई चीज में एक्शंस नहीं आएंगे। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चला रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतः वे ही परा तथा अपरा प्रकृति के नियामक है। तो वो तो हमने देखा, कंट्रोलर, नियामक मतलब कंट्रोलर, परा प्रकृति मतलब जीव, और अपरा प्रकृति मतलब पंच भौतिक तत्व, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, नीर और मन, बुद्धि, अहंकार। आठ चीजों को अपरा प्रकृति कहा गया है और परा को जीवात्मा कहा गया। इन दोनों के कंट्रोलर कौन है? भगवान। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है, उन्हीं के द्वारा बार बार सृष्टि कराई जाती है अपरा प्रकृति की। परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। तो परा प्रकृति को अपरा प्रकृति में रखा जाता है बाय द ग्लैंस ऑफ गॉड, मतलब दृष्टिपात करते हैं और जीवों को पर अपरा प्रकृति में डाल देते हैं भगवान। सिर्फ देखने मात्र से दिखाते हैं ना, जैसे पुराने सीरियल में ऐसे आंख से रोशनी गई हो, जूम जाके फिर वहां उसका बदल गया कुछ भी, कुछ ऐसा होता था ना। हम देखते थे पहले के सीरियल, रामायण महाभारत में ऐसे ही आता था। तो हम भी उसको उसी तरह से समझ सकते, भगवान ने दृष्टिपात की और आंखों से सीधा देखा और सारे जीव चले गए वहां पे, और जीवों को उनको अलग अलग योनियां ब्रह्मा जी ने प्रदान कर। ठीक है, आगे कहते हैं, अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती रहती है। इस प्रकार ही हमको सब कुछ दिखता है, इसी प्रकार सब सजीव हो जाते हैं और हमको दिखता है, ये मेरा, ये पराया, वो मोटा, पतला, गोरा, अच्छा, बुरा, गंदा, ये सारी चीजें हमको एक संयोग मात्र से दिखती हैं। किसी के कर्म अच्छे होंगे, कोई देवता देवता नीचे आके अगर मनुष्य योनि में जन्म लेगा तो वो गोरा चिट्टा एकदम एकदम सुंदर होगा, लेकिन अगर नीचे से कोई आ रहा है तो वो काला होगा, वो एकदम थोड़ा सा कमजोर होगा। उसमें कोई जो है ना, एकदम जैसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छा गाता है प्रभु जी, उसके गॉड गिफ्टेड है, उसके गले की सुर जो है ना, बोले एकदम क्या बैठते हैं ताल। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि ये ऊपर से आया, स्वर्ग से नीचे आया है, उसकी जो है ना ऊपर की योनि थी और उसको नीचे भेजा गया मनुष्य योनि में। लेकिन अगर कोई ऐसे ही है, कोई ऐसा गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है जिसके पास बचपन से, तो वो नीचे से ऊपर आया। तो इस तरह से भेद से हम समझ सकते हैं कि कोई ऊपर से नीचे योनि में आया कि नीचे से ऊपर योनि में आया, मनुष्य योनि में कहाँ से आया गया है। ठीक है, तो इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। तो अगर हम इस श्लोक के एक जो अनादर एस्पेक्ट है, एक और इस श्लोक का जो अर्थ मेरे को जो समझ में आता है ना, ये है कि हम न जाने कितनी योनियां हमारी निकल चुकी हैं, कितना समय निकल चुका है, और हम अलग अलग योनियों में सिर्फ का कर्म अच्छा बुरा, कर्म अच्छा बुरा, यही इसी में निकाल दिया हमने समय। तो कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, वो सिर्फ उसके संस्कारों के कारण कुछ समय के लिए अच्छा बुरा दिखाई देता है हमको, लेकिन अंदर से उसका स्वरूप तो आत्मा है, भगवान का अंश है वो। तो वो संयोग मात्र है, कुछ समय के लिए किसी गुण में फंस गया इसलिए उसके अंदर कुछ अवगुण आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवात्मा जीवात्मा भगवान से भिन्न हो गया, भगवान का अंश नहीं है। सबके अंदर भगवान का अंश देखना चाहिए। और हमारा जो ये काल है 50, 70, 100 साल का, ये अगर पूरे हमारे जीवात्मा का समय में देखें तो एक बिंदु के बराबर है, सिर्फ एक बिंदु के बराबर है ये हमारा जीवन। और अगर इस जीवन में भी हमने भगवान का आश्रय नहीं लिया
तो फिर से अनेकों अनेकों जीवन भटकना पड़ेगा। किसी भी जीव की निंदा स्तुति इन सब चीजों से बचें, उनके ना बुराइयों से बचें, इसकी बुराई उसकी बुराई नहीं करें। क्यों? क्योंकि है तो जीव भगवान का अंश, वो फंस गया है इस संसार में, और तो इस संसार में फंस गया है और कुछ समय के लिए वो गलत आदतों में पड़ने के कारण ऐसा हो गया है। ठीक है, ठीक हो जाएगा, जब उसका सही समय आएगा, कर्म के बंधन छूटेंगे तब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बैठ के बुराई करें और हम अपना समय जो है ना व्यर्थ करें। हमें हमारे समय को बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत देख रहे हो आप सबके साथ, देख रहे हो समय कितनी जल्दी निकल रहा है, पता पड़ रहा है। अभी तो ऐसा लगता था स्टार्ट किए भगवद गीता की क्लास और आज 13वां अध्याय पहुंच गए हम। समय निकल जाएगा, ऐसे पूरा जीवन निकल जाएगा, और फिर बाद में ऐसा पता पड़ेगा ये तो स्वप्न के जैसे पूरा जीवन निकल गया, अब मेरे हाथ में कुछ बचा नहीं। फिर आखिरी में बोलेंगे कि अरे प्रभु जी मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो भक्ति नहीं की, मैंने तो खाली परिवार के लिए किया, खाली धन संचय किया, खाली मकान के, मेरा एक ही टारगेट था, मेरा अपना मकान, मेरा अपना मकान। तो इन सब से बचना चाहिए, भक्ति को जरूर रखना चाहिए जीवन में। भक्ति के बिना जीवन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, है? कौमरम आचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवत नीहे सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदभि ध्रुवम अर्थदम, है ना? कौन कहते हैं? हमारे प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से ही भक्ति के कार्य में लग जाना चाहिए। कौमरम आचरेत प्रज्ञो, धर्म और भागवत ये दो ही हमारे जीवन के उद्देश्य होने चाहिए। जो करूंगा धर्म के अनुगत करूंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा शिष्य बनूंगा गुरु बनाऊंगा सब भागवत के चर्चा वालों को करूंगा। जो जहां से भागवत का ज्ञान मिलेगा ऐसे लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा, जो भागवत को जानता हो मैं उसका शिष्य बनूंगा, भागवत का ही पठन पाठन करूंगा और भागवत का ही चर्चा करूंगा और उसका ही प्रचार करूंगा। जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। और सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तद, ये जो मनुष्य जन्म है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, रेयर। इतनी सारी योनियां हैं हमने देखी है ना, बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। 83,99,999 योनियों के बाद मिलता है मनुष्य जन्म, वो भी तब जब आपके कोई गंदे कार्य ना हो, है ना? जब कोई मतलब जिसको बोलते हैं ना बिना किसी तकलीफ के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आपको जो है ना रायपुर से भिलाई पहुंचने में अगर कोई हिंड्रेंस नहीं रहा, कोई रुकावट नहीं रही, तो आप अगर स्कूटर से जाएंगे तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसे कहा जाता है। लेकिन अगर कोई रुकावट आ गई, ट्रैफिक जाम हो गया, कोई नेता आ गया, कोई रोड में गड्ढा खुद गया, किसी की रैली चल पड़ी, कहीं कुछ हो गया, कहीं टूट गया, कहीं बारिश हो गई, तो वही आपका 1.5 घंटे का 5 घंटे भी लग सकते। उसी प्रकार 83,99,999 में अगर कहीं रुकावट नहीं आई, अगर किसी के लिए तकलीफ नहीं डाली, अगर आपके कर्मों ने बाधा नहीं डाली, अगर आपने किसी के साथ गलत कर्म नहीं कर्म ना किया होगा, और आपको प्रॉपर सिंपल बस बोला गया ठीक है अब आप आगे बढ़िए अपनी यात्रा में, जीवात्मा की यात्रा में, तब आपको 83,99,999 योनि के बाद मनुष्य योनि मिलेगी। अगर आपने कोई उल्टा सुलटा कर्म कर दिया, किसी की चोरी कर दी, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, किसी का गंदा काम कर दिया है ना, और किसी को गंदा बोल दिया, निंदा कर दी, ये उठपटांग काम कर दिए ना, तो वो 83,99,999 की जगह हो सकता है कि 1 करोड़ हो जाए, क्योंकि पनिशमेंट मिलते हैं ना, यमराज जी पनिशमेंट देते हैं, जाओ 1 लाख योनी चींटी बनो, 1 लाख बार चींटी बनना पड़ेगा, 1 लाख बार सांप बनो, 1 लाख बार सांप बनना पड़ेगा, वहीं पैदा हो रहे वहीं मर रहे, फिर सांप, 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 बार बार सांप बनना पड़ेगा। जब वो पनिशमेंट काटेंगे 1 लाख बार, तब सांप से ऊपर वाली योनि मिलेगी, फिर ऊपर, ऐसे करके एक एक योनि को आगे क्रॉस करना पड़ेगा। तो बहुत खतरनाक है, बहुत रिस्क है, बहुत फंसने वाला, जंजाल में फंस जाएंगे हम अगर अभी से जागेंगे नहीं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं अगला श्लोक। प्रभु जी अपनी सृष्टि का निर्माण हम खुद करते हैं,
क्या लिखा है? अच्छा गौतम प्रभु ने लिखा है, प्रभु जी हम अपनी सृष्टि का निर्माण खुद करते हैं, जैसा हमारा मन इंद्रियां होगी उनके हिसाब से हमारा अगला योनि तैयार होगा। बिल्कुल सही है, आप अपने गुणों के संग से जो है अगला योनि तैयार करते हैं ना। प्रकृति पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा क्या था? हाँ, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, है ना, जैसा गुण को संग करेंगे वैसी वैसी योनि आपको प्राप्त होती जाएगी, जैसा जैसा संग करेंगे। यह सत्यम प्रभु कुछ कह रहे हैं? प्रभु जी, इसका मतलब हम सभी को ये समझना चाहिए कि 83,99,999 जब हमारी कोई गलती नहीं रही तब जाके मनुष्य जीवन मिला है मेरा किस बार, है ना प्रभु? हाँ, इसमें और भी कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे अगर किसी वैष्णव ने प्रसाद खिला दिया, या सपोज करो आपको एक वृक्ष की योनि मिली है और आपके फूल जो है ना वो भगवान को चढ़ गए, या आपके जो है ना जो आपने जो फल पैदा किए वृक्ष योनि में, सपोज करो एप्पल के पेड़ बने और एप्पल एक भगवान को अगर उनके चरणों में भोग लग गया उस एप्पल का, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है ना आपको शॉर्टकट मिल जाता है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, सीढ़ी मिल गई तो सीधा ऊपर, तो वैसे ही होता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको सीधा ऊपर जाने का चांस मिल जाता है, सीधा मनुष्य योनि मिल जाती है। मतलब अगर कोई तकलीफ नहीं हुई, सब ठीक रहा, तो एक 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 करके आगे बढ़ेंगे। तकलीफ हुई तो वहीं पे रुक जाएंगे, तकलीफ नहीं हुई क्या पता किसी की कृपा मिल गई तो सीढ़ी से डायरेक्ट चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग ये समझ सकते हैं कृपा ही मिली हो, क्योंकि डेली तो हम लोग कुछ ना कुछ अपराध हो ही जाता है, चाहे जैसे भी मतलब जैसे करें, किस योनि के हिसाब से अगर देखा जाए। बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी कृपा मिली है, तभी हम वैष्णवों के संग मिल रहा है, हमको भगवान का नाम ले पा रहे हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं, जो सोलह माला कर रहे हैं, उन पे तो भगवान की विशेष कृपा है कि वो कलयुग में, घोर कलयुग में, अभी तो कलयुग में आप देख रहे हैं कितनी स्थिति खराब है, अभी पूरी तरह से कलयुग आया नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी भगवान का नाम मिल चुका है, प्रभुपाद के बुक्स मिल चुके हैं, हमारे गुरु आश्रय है, वैष्णव का संग है, तो ये बहुत बड़ा जो है ना कहीं आपने और हमने कुछ न कुछ बहुत अच्छा कर्म किया होगा, जो कृपा मिली है वैष्णव की तभी यह हो पाया। प्रभु जी अगर गुरु कुछ कह रहे हैं हम कुछ जवाब नहीं देते तो गुरु की अवज्ञा करना होगा क्या? अब डिपेंड करता है, यस हो भी सकता है, अगर कैजुअली बोल दिया, हम जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई जवाब दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये अवज्ञा नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जैसे जो गुरु कहे उसको सामर्थ है तो तुरंत कर लिए, असामर्थ है तो बता दिए कि अभी नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी है बता देना चाहिए। कहने का मतलब नहीं कर सक रहे तो आप अपनी स्थिति बता दो ना कि क्या दिक्कत है, प्रभु जी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं, कोई डंडा नहीं मारने वाला, लेकिन रिस्पॉन्स देना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहे, गुरु बोले जा रहा है अरे ये कर लो, आप चुप बैठे हो, हाँ मैं देखूंगा जब जरूरत होगी तब करूंगा, ऐसा नहीं। गुरु और जो जिसको भी आप अपने ऊपर मानते हो, जो भी आपको ऐसा लगता है कि हम मेरे को गाइड करने में सक्षम है, उनकी बातों को मानना चाहिए और प्रॉपर जवाब देना चाहिए, इंडिकेशंस उनके लेने चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान जो है ना ये एक्चुअल में परंपरा है, इसको परंपरा को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे ऊपर 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 चैनल है, ये पूरा एक फ्लो चला हुआ है, फ्लो चार्ट बना हुआ है ना, उस चार्ट में अगर हम उस फ्लो को तोड़ेंगे ना तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, उसको तोड़ना नहीं है हमारे को, तो जैसे भी है उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यस राहुल प्रभु जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु हरे कृष्णा। जी, जैसे कि 84 लाख योनियां हैं और जिसमें से मनुष्य योनि भी है, तो ये प्रभु जी पूरा धाम गोलोक धाम में भी पूरे 84 लाख योनियां पाई जाती हैं क्या? देखिए मेरी बात समझिए, गोलोक धाम में 84 लाख योनियां नहीं पाई जाती हैं, वहां पे सब चीज जो होती है ना वो चिन्मय होती है, सब
सच्चिदानंद स्वरूप होता है, वहां तो वृक्ष मिलेगा आपको, तो वृक्ष भी ऐसा मिलेगा जो भगवान की भक्ति करके यहाँ से मुक्त होके वहां जाके वृक्ष बना है। वो भी इसलिए वृक्ष बना है क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं कृष्ण को छांव दूं, है ना, उसके मन में इच्छा थी कि मैं कृष्ण के साथ खेलूं, कृष्ण मेरे साथ मेरे वृक्ष में। जैसे देखा होगा उसने कि कृष्ण वृक्ष में चढ़ते हैं, सुदामा के साथ पानी गिरता है, वहां पे अटखेलियां करते हैं, तो उस वजह से किसी को अगर ऐसा लगा तो वो वृक्ष बन गया, वहां पे कृष्ण की सेवा कर रहा है। तो वहां हर चीज मुक्त होने के बाद ही जाती है, और वहां कोई जो है ना ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे शांत रस है, किसी को भगवान की सेवा करने की इच्छा है, मैं किसी भी रूप में भगवान की सेवा करूं तो भगवान की कुर्सी बन जाएगा वो, फिर उसकी इच्छा होगी कि भगवान की मैं सेवा करूं उनका रथ बन के तो उनका रथ बन जाएगा, फिर इच्छा होगी किसी की मैं भगवान का मुकुट बन जाऊं तो मुकुट बन जाएगा। तो हर चीज वहां पे सच्चिदानंद है और हर चीज चिन्मय, मतलब वो आपसे जो है ना वार्तालाप आप समझ सकते हो, वो क्या चाहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसे सेवा कर रहे हैं, ये सब होता है वहां, यहाँ के समान नहीं होता। जी प्रभु, जहाँ जो एक बार बन गया वही बन गया, फिर वो उसको पूरा जीवन वैसा बनना पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऐसा वहां कुछ भी नहीं होता। जी वही प्रभु, जैसे गजेंद्र जी की कथा आती है तो उनको मतलब स्वशरीर ले गए ऐसा करके, इसलिए पूछ रहा था तो वहां भी। स्वशरीर ले गए तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो मेरी बात समझो, जैसे ही भगवान का स्पर्श होता है ना तो वो शरीर जो है वो भौतिक शरीर नहीं रह जाता, वो सच्चिदानंद दिव्य शरीर हो जाता है वो, है ना। तो जी स्वशरीर मतलब इस चमड़े वाला जो पंच तत्व वाला शरीर है, इसको जैसे ही भगवान ने अपने धाम ले जाने के लिए उनको स्पर्श किया तो उनका शरीर वो दिव्य हो गया और वो इस भौतिक संसार के अवगुणों से परे हो गया। जैसे कि अर्जुन इस शरीर में रहते रहते भगवान को नहीं देख पा रहे थे, उनको दिव्य नेत्र प्रदान किए गए भगवान के द्वारा, तब वो भगवान को देख सके। तो इस शरीर और दिव्य शरीर में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जब तक दिव्य शरीर नहीं होगा आप वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो भगवान जैसे ही स्पर्श किए तो पूरा का पूरा गजेंद्र दिव्य हो गया और वो इन भौतिक जो हमारे पंच जो स्थूल जो तत्व होते हैं जिनसे शरीर बनता है उनसे परे हो गया, वो उनकी लिमिटेशन से परे हो गया। ठीक जी है। जी प्रभु जी, मतलब ये पंच जैसे अब हम प्रकृति बात करते हैं प्रभु जी, तो गोलोक वृंदावन में भी वो ऐसा प्रकृति नहीं होगा क्या जैसे यहाँ जैसा प्रकृति? एकदम ऐसा ही है, हमारे गुरु आचार्य बताते हैं सेम ऐसा ही है गोलोक वृंदावन, जैसे कि वृंदावन यहाँ पे है वैसे ही है, सेम टू सेम कहते हैं। जी और वहां पे आप भगवान को मतलब सेम ऐसे ही है और क्या, भगवान से इंटरेक्शन कर सकते हो, देख सकते हो। वहां पे आपकी बुद्धि इन सब चीजें, जैसे यहाँ पे आपकी बुद्धि 50 जगह में बटी रहती है ना, वहां नहीं बटी रहती, वहां सिर्फ एक भगवान कृष्ण और कुछ नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां सब इजीली अवेलेबल है ना। आप चिंतन करोगे तो सब चीज वहां मिल जाएगी आपको, सिर्फ चिंतन मात्र से, इसलिए परिश्रम करना नहीं है आपको किसी भी चीज के लिए, आपको हर चीज अवेलेबल है वहां पे। तो भगवान की बस सेवा करनी, प्रेम करना है, मजे करने उनके साथ, और कुछ नहीं करना। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा कल के लिए। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 सभी भक्त हरे वृंद की भक्तवृंद की जय। जय। जगद जगत गुरु श्री गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गुरु जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि हरि हरि। हरि।